झारखंड में लगातार ईडी और सीबीआई की छापेमारी में देखने को मिल रही है नई नेताओं के घरों और अधिकारियों के आवासों पर ईडी रेड मारने के बाद कई अहम दस्तावेजों के मिलने का दावा कर रही है। वहीं इस अब ईडी की मंशा के ऊपर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खड़े किए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि ईडी की कार्रवाई के तौर तरीके पर उन्हें एतराज है। हेमंत ने सवाल उठाते हुए पूछा कि 6 मई से कार्रवाई चल रही है लेकिन अब तक एजेंसी की ओर से एक भी ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई कम और अखबारबाजी मीडियाबाजी ज़्यादा लग रही है। उन्हें लगता है कि ईडी के लोग यहाँ कार्रवाई करने नहीं बल्कि एक पत्रकार और न्यूज़ चैनल की भूमिका निभा रही हैं। फिलहाल अब जिस तरह से सीएम हेमंत ने ईडी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं उससे तो यही लगता है कि वो केंद्र की मोदी सरकार पर सीधे तौर निशाना साध रहे हैं। खैर अब देखना होगा कि झारखंड बीजेपी के नेताओं की तरफ से सीएम के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।